साथियों, आपने अपने सेंटेनरी सेलिब्रेशन की जो थीम रखी है वो देश के देशवासियों के लक्ष्यों और सपनों के साथ जुड़ी हुई है। और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5-6 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है बल्कि अर्थव्यवस्था में डिसिप्लिन लाने का भरसक प्रयास किया है। भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले, तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े, इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं, चौतरफा फैसले लिए हैं, उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। और इसलिए आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत आधार बना है। आमतौर पर सरकार कुछ टारगेट तय करती है, उसको अचीव करने के लिए अपनी सरकारी मशीनरी को काम बांटती है, रोड मैप बनाती है, मॉनिटर करती है। यह एक तरीका है, वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जब तक पूरा देश मिलकर के लक्ष्य तय नहीं करता है, लक्ष्य को पार करने के लिए मिलकर के नहीं चलता है, लक्ष्य को पार करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारियों में सक्रियता नहीं लाता है, तो वो एक सरकारी कार्यक्रम बन जाता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, ये मैंने जब सार्वजनिक रूप से कहा तो मुझे मालूम था कि सुगबुगाहट शुरू होगी। मुझे ये भी मालूम था कि नकारात्मकता को प्रकट करने के लिए एक मैदान तैयार हो जाएगा। मुझे ये भी मालूम था कि ये विश्वास से कहा जाएगा कि भारत ये नहीं कर सकता है। एक सेट ऑफ थिंकिंग है ऐसा, लेकिन मुझे खुशी है कि आजकल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले जितने ही समूह हैं, हर कोई 5 ट्रिलियन वाली बात को मध्य में रख करके चर्चा करता है। अधिकतम लोग, यार कोशिश तो करनी चाहिए यार, करे तो हो भी सकता है, अरे यार नेगेटिव क्यों सोचो, चलो यार कुछ करते हैं। मतलब कि लक्ष्य तय हुआ है तो लक्ष्य पार करने का मन भी तैयार हो रहा है, और यही मन है जो आज यहां इकट्ठा हुआ है वो उसको पार करेगा। सरकार का अचीवमेंट नहीं होता है, देशवासियों का अचीवमेंट होता है। और इसलिए मुझे बराबर याद है जब मैंने लाल किले से 2014 में कहा कि गांधी जी के जब 150 होंगे तब देश को हम ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे। कईयों ने आलोचना की थी मेरी,
लेकिन जब देश के सामने लक्ष्य रखा तो देश ने करके दिखाया। तो हमारे देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के भरोसे अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य, दिशा और मंजिल उसको जन सामान्य से जोड़ना ही चाहिए, और मेरा यही प्रयास है।